तो हमारे पीछे है कालंगुट ब्रिज, करीब 300-400 मीटर पीछे, और ये है कालंगुट सर्किल, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, मतलब बीच की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट। इधर से करीब 100 मीटर दूर हमारा होटल है, ब्लूम होटल, और बीच से हम लोग अभी आ रहे हैं, होटल में जा रहे हैं। वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। और आज हम लोग गोवा हुए थे, तो होटल ब्लूम होटल में ठहरे थे, तो हमने सोचा कि होटल के वीडियोज़ तो बनाते हैं, और होटल हमें पसंद भी आया, अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि होटल का एक वीडियो बना दिया जाए। तो हम लोग अभी होटल की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम लोग धूप में बहुत काले पड़ चुके हैं, लेकिन टेंशन नहीं, गोवा है तो गोवा आए हैं और काले ना पड़े तो आपने एंजॉय नहीं किया, तो ये काउंट लग जाएगा तो हम आपका कलर नहीं जाएगा। तो हम लोग अभी अपने होटल की तरफ मुड़ चुके हैं, ये देखिए ये सामने हम लोग जा रहे हैं सर्किल से, करीब 100 मीटर की दूरी पे राइट साइड में है बहुत सारे होटल से होटल है, हम जिस पे ठहरे हैं उसे हम दिखाते हैं। ये देखिए सामने टिकलो रिजॉर्ट दिख रहा है, टिकलो रिजॉर्ट की नेक्स्ट बाद गली है, ये यहाँ पर टिकलो रिजॉर्ट है, इसके बाद वो है, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैकडी है, और हम लोग करीब 100 मीटर आ गए उस सर्किल से, और यहाँ पे देखिए ब्लूम होटल का बोर्ड लगा हुआ है, और वो सामने है ब्लूम होटल ये वाली गली में, तो चलिए होटल में चलते हैं। तो ये हमारा होटल आ चुका है, बाहर टैक्सी वगैरह लगे हुए हैं, अगर निकलते हैं तो टैक्सी वैक्सी के लोग पूछते रहते हैं। और ये देखिए ये ब्लूम होटल पूरा येलो, और इधर थोड़ा पार्किंग स्पेस भी है, इधर ही पार्किंग स्पेस है, तो हम लोग चलते हैं अंदर। ये आइए, ओहो राहत मिला, ये रिसेप्शन का एरिया, आ जाइए आइए। और यहाँ पे वेलकम ड्रिंक रखा हुआ है, आप जो लोग आते हैं वो पी सकते हैं, और ये कॉमन एरिया है, जो मतलब हमें पसंद आया सबसे बढ़िया, ये रिसेप्शन के साथ ये कॉमन एरिया है, और ये पुल है, और ये प्लेइंग एरिया है, और वो रेस्टोरेंट है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और होटल्स होंगे मगर हम लोग इसमें आए, ये हम अच्छे बड़े बड़े फाइव स्टार आपने पिछला वीडियो दिखा हुआ, बड़े फाइव स्टार होटल में है, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छा है, ये तो बजट मतलब मिड बजट का कह सकते हैं होटल, बहुत बढ़िया है ये बना हुआ। देखिए पुल यहाँ चल रहा है, वहाँ पानी नहीं चल रहा है, अपना 8 से 8 पुल चालू होता है, ये प्ले एरिया है, हाँ आ जाओ मेरी क्या दिखाई, ये प्ले एरिया, हाँ खोल लो शूज़ खोल लो, यहाँ पे शूज़ हमें खोल के आना है, तो हम नहीं जा रहे हैं, मेरी दिखाई जा रही है, ये देखिए प्ले एरिया का हिस्सा, यहाँ पे सब गेम्स लगे हुए, बुक्स लाइब्रेरी बना हुआ है यहाँ पे, फिर ये क्या है दिखाओ, हाँ इधर टीवी लगा हुआ है, कैरम भी है, वेरी गुड, वहाँ पे बुक्स है, चलो आ जाओ हो गया। तो ये वाला एरिया बेहतरीन है, और उधर है रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग बफे आपको दिखाएंगे, हमने बफे कल किया था, तो वो बफे मैं आप इसे आगे डाल दूंगा, ब्रेकफास्ट बफे जो रूम के साथ हमने लिया था कंप्लीमेंट। लेके आ जाओ हाथ में बाबू, लेके आ जाओ, ये रेस्टोरेंट का एरिया है, ये रेस्टोरेंट है, ये बार भी है, मिनी बार भी है, तो बार तो गोवा में हर जगह ही बार ही है, ये देखिए रेस्टोरेंट, ये बैठने उठने की जगह दी, अगर आपको चेक इन लेट मिलता है बैठ के यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं, ये पूरा स्विमिंग पूल के आगे बैठने का अच्छा एरिया दिया हुआ है, गुड। जिसमें कोई भी नहीं आता, लिफ्ट में सिर्फ 4 लोग आते हैं, छोटा लिफ्ट है, तो हम लोग अब लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं, और लिफ्ट थोड़ा छोटा है बट ठीक है, नॉट बैड, रोड तक ही है, होटल ज्यादा बड़ा नहीं है, और मोटे लोग बिल्कुल नहीं आ सकते, मोटे लोग, मैं मोटा लिखता हूँ, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत है, अभिजीत जी, तो लोकल है, बंगाल से, अच्छा किस जगह, बंगाली बोलो तो समझ में, कोलकाता के हैं, कोलकाता से, अच्छा कांचरा पर, सियालदह, कौन सा दिन को नहीं मालूम होगा, बैरकपुर रूट में है, सियालदह रूट, तो यहाँ पे 5000 के एवरेज का रूम है, जो डबल कैटेगरी है या ट्रिपल कैटेगरी है वो डिपेंड करता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके, स्टे रूम है ना वेबसाइट के नाम,
तो हम लोग आ चुके हैं। वैसे हमारा रूम है ये 4101, तो ये ट्रिपल शेयरिंग वाला है। हाँ। तो हम लोग पहले डबल शेयरिंग, इधर कोई है 402 है, कोई नहीं है इसके अंदर। हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए रूम, और बहुत मतलब यूनिक सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये डेस्क दिया हुआ है आपको वहाँ पे रखने वखने के लिए, बहुत ही अच्छा है, स्पेस भी बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव लाइट, जो कलर जो यूज किया है ना, ये जो व्हाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, पता नहीं क्यों बहुत ही पॉजिटिव, इसका माहौल ही पॉजिटिव, बहुत हल्का सा दिखता है, बहुत 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 ज्यादा रूम को भरा नहीं है इन्होंने, एमिनिटीज ज्यादा नहीं है, मतलब सिंपल सा डेस्क दे दिया, फ्लोर से नहीं, पूरा ऊपर से। और साइड में देखिए, बेड के दोनों साइड में ये लाइट स्विच और ये मतलब आप लैपटॉप वगैरह यूज कर सकते हैं दोनों साइड में ना। हाँ, दोनों साइड में है, और एक छोटा सा फ्रिज भी है, छोटा सा मिनी फ्रिज भी आपको दिया हुआ है। आप इसमें अपना जो भी गोवा आ रहे हैं तो बियर सियर पी रहे हैं तो इसमें आप रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, लॉकर भी है, और यहाँ पे पहले से खुला हुआ, और यहाँ पे ओपन कवर्ड है, और ये मिरर गोल सा आपको नीचे से नहीं मिलेगा, ऊपर आपको गोल सा मिरर मिलेगा। और यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशरूम में भी स्पेस बहुत बड़ा नहीं है, मगर छोटे में भी बहुत अच्छा है। हाँ, वॉशरूम का स्पेस जो है ठीक है, सफिशियंट है, इतना ही। जनरली थोड़ा और ज्यादा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इससे वॉशरूम, और टब हो उसमें आ जाता है। हाँ, लेकिन जो हम लोग 2 दिन से इसमें स्टे कर रहे हैं तो हमें सर्विस भी ठीक लगी, इसलिए मैंने उसका वीडियो बना लिया, क्योंकि हमने जो भी ऑर्डर किया, टॉवल ऑर्डर किया या पानी ऑर्डर किया, तो इमीडिएट मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में हमारे पास आ गया, तो इसलिए लास्ट एक नंबर है ये, मतलब सर्विस हमें जो फील हुआ वो हम बता रहे हैं, आगे आपको क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सही लगा। हाँ। तो ये एसी वगैरह पूरा बढ़िया आप यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एसी भी और सर्विस भी आपको रूम में। फैन नहीं, अगर आप फैन के पसंद करते हैं तो फैन यहाँ नहीं है, एसी आपको यूज करना पड़ेगा, विदाउट एसी आप नहीं रह सकते हैं, और बालकनी नहीं है, बालकनी नहीं है आपको, लेकिन व्यू सब जगह है, मतलब चारों तरफ से ये आपको ग्लास वाले दिए हुए हैं विंडो। सर्विस में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम गोवा आ रहे हैं, समुद्र में नहाना या पूल में नहाना, कपड़े ज्यादा कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, आप यहाँ पे वॉश करके आपको छत मिलेगा, छत नहीं है तो आपको एक वो मिलेगा। हाँ, वो चलिए दिखाते हैं, जिससे आप कपड़े सुखा सकते हैं, बट हमें स्पेशल फैसिलिटी मिली है रूम के साथ में, छत पे लेके चलते हैं, हम लोग टॉप फ्लोर पे है, हम लोग टॉप फ्लोर पे है, ऊपर छत नजदीक है, हम लोग छत पे चले जाते हैं। ये रूम है ना, ये तो किंग साइज बेड था एक लगा हुआ, इसमें ट्विन बेड है, अगर आप अलग अलग दो दोस्त आते हैं या तो इसमें आप इस मतलब दोनों सेम प्राइस में है। ये देखिए, ये वही सेम रूम है, सब कुछ सेम है, बस बेड आपका अलग अलग है, एक बेड इधर एक बेड इधर, ट्विन बेड है ये, और सब कुछ बाकी सब कुछ इंटीरियर सेम है, टॉयलेट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टॉयलेट और टॉवल वॉवल सब बढ़िया साफ सुथरा। अब बेस्ट पार्ट है कि जो इस रेंज के होटल होते हैं, हम लोग बहुत होटल में स्टे करते हैं, आप लोगों को पता ही है, हम लोग कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो ये जो बेडशीट वगैरह है ना, ये सब बिल्कुल जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं, क्लीन बिल्कुल, हमें 3 दिन नीट एंड क्लीन, मतलब एक स्पॉट भी आपको गंदगी नहीं दिखा, इसलिए हम मजबूर हुए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ सही था, हमें बजट का लगा, क्योंकि जनरली हम लोग 5 स्टार या 4 स्टार में स्टे करते हैं तो थोड़ा बजट भी हाई रहता है, और ये बजट इनका थीम है येलो कलर में, येलो कलर आपको हर जगह सिर्फ येलो येलो दिखाई देगा, आप गौर कीजिए इस फोटो में, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, बीच में येलो, बीच पे ये जो बनाना वो होता है क्या, राइड होता है, उसको येलो दिखाया गया है, तो येलो येलो को बिल्कुल फोकस किया जाता है। ये ट्विन रूम है और एक टेलीफोन वॉल पे दिया गया है, इसके लिए कोई टेबल नहीं दिया गया, ठीक है, जब आपको सर्विसेज चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। हाँ, लगेज वगैरह रखने के लिए आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऐसा बना हुआ नहीं है, जनरली जो होटलों में होता है तो आपको नीचे ही रखना पड़ेगा। ये छत का रास्ता है जो हम लोग टॉप फ्लोर पे 4th फ्लोर पे, क्योंकि हम लोग ट्रिपल वाले रूम है तो हम लोग छत का भी यूज कर ले रहे हैं, और छत पे सिर्फ छत पे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग सी से आ रहे हैं, गीले भी आ रहे हैं, तो कपड़े बहुत गीले होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग अभी अपने रूम में आ गए, ये हमारा रूम नंबर 401, रूम की हालत खराब है। वैसे मैं पिछला वीडियो दिखा दूंगा जो आए थे तो शूट किए थे हम लोग। हाँ। ये देखिए रूम में हमने सजाया, ये चीज देखिए, ये बहुत सारे रखे हुए इन लोगों ने, ये कपड़े डालने वाले, ये इस पे आप दम दम भर कपड़े सब जितना चाहिए उतने लीजिए, सब बाहर रखा रहता है,
और आप उस पर कपड़े डालिए, या तो छत पर डालिए, या तो रूम में डालिए, या बाहर आप लॉबी में रख सकते हैं। और ये हम लोग ट्रिपल बेड वाला लिए है रूम, जिसमें हमारा एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। ये रूम का साइज देखिए, इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये सामने टीवी, रोशनी, ये रोशनी की बात करें तो हाथ सभी रूम में रोशनी है। और इस रूम से आपको सामने पूल दिखता है, ये देखिए, ये पूल व्यू। यहाँ पे डोर, हाँ ये छत के लिए है रास्ता, लेकिन ये बंद है, हमने खुलवाया नहीं। गंदगी उधर छत पर गंदा है ना, तो उसको यूज करने का फायदा नहीं। ये बढ़िया है, ये हमारा रूम है। इसमें भी टॉयलेट बिल्कुल सेम है जैसा उधर का आपने देखा, बिल्कुल सेम। तो ये हमने यूज किया हुआ है। तो ये था होटल का टूर, आपने सब कुछ देख लिया, ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे हम लोग। yes. अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर मतलब इसके बाद हम ब्रेकफास्ट, सब लोग सुबह पहुंच जाते हैं, आपको वेट करते हैं। चलिए देखिए ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, सिर्फ बनाना और पपाया, और दूसरे से वहाँ पे लीची का और ऑरेंज का, ये सांभर, इडली, सेम इडली कल भी गई था, चटनी। ओह आज पाव है, पाव और पराठा, ये है भाजी। आज तो वेदराज का ठीक है, वहाँ हॉट वाटर एंड मिल्क, और यहाँ पे सारे ब्रेड। तो चले राज का बर्थडे वाला ब्रेकफास्ट, इसीलिए आज मैंने पाव भाजी उसका फेवरेट लिया है, और पराठा, और इसका तो आज मतलब दिल ही बन गया, क्योंकि फिर ये पाव भाजी इसका फेवरेट है। आपके लिए जल्दी होगा, हमारे लिए थोड़ी देर बाद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये आपको होटल अच्छा लगा बुक करें तो आप सब कुछ देख लें, वैसे हमें अच्छा लगा। आप प्राइस वाइज सब ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, से ब्लूम वेबसाइट है, वो आई वी वगैरह पे ही मिलता है। तो ये ब्लूम होटल है, इनका ब्लूम सूट्स, ब्लूम होटल और ब्लूम रूम्स, तीन कैटेगरी के अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये जिसमें हम लोग स्टे किया है ब्लूम होटल, जो कलंगूट बीच के 400-500 मीटर के दूरी में है। ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो इसी में स्टे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, और मोटिवेट कीजिए कि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाए। हमें बहुत सारे प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए। वी आर प्रॉमिस कि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।